हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की हमारी रेसिपी है आलू बैगन अदौड़ी। बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी लगते हैं ये खाने में। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट आलू बैगन अदौड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी एंड टेस्टी रेसिपी है ये। देखिए फ्रेंड, बैगन आलू अदौड़ी की सब्जी बनाने के लिए लिया है आलू और बैगन। दो आलू है, चार बैगन है, इसको हमने काट लिया है। इस तरीके से बैगन को काटा है और आलू को भी इस तरीके से काट लिया है। और ये है हमारी अदौड़ी, ये मार्केट वाली अदौड़ी है। इसको बहुत लोग अदौड़ी भी बोलते हैं और काफ़ी लोग इसको बड़ी बड़ी के नाम से जानते हैं। तो ये है उड़द दाल की बड़ी, ये हमारे मार्केट वाली बड़ी है। और ये हमने लिया है एक टमाटर, जिसको बारीक कट कर लिया है। दो प्याज है, प्याज को भी हमने कट कर लिया है। और चार हरी मिर्चें, इसको भी हमने कट कर लिया। तो चलिए फ्रेंड्स, आलू बैगन अदौड़ी की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। वैसे बिहार में इसको अदौड़ी के नाम से ही जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस अदौड़ी को फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, अदौड़ी फ्राई करने के लिए हमने लिया है कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ये हमने मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ मैं। आप चाहे तो कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं, जो भी आप लोग खाते हो। तो इसके अंदर हम ये अदौड़ी को फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से चारों तरफ से घुमा घुमा के फ्राई कर लें। ये देखिए फ्रेंड, अदौड़ी हमारी फ्राई हो चुकी है। इसको हम निकाल के, ये देखिए, ये मैंने पानी लिया है एक बाउल में, उसके अंदर हम ये अदौड़ी जो फ्राई किया है इसको हम डाल देंगे, ताकि जो हमारा अदौड़ी है अच्छे से फूल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, बड़ी फ्राई करने के बाद उसी सेम कढ़ाई में हम अब सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने ऑयल डाल रखा है 2 टेबल स्पून, इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा, और ये हरी मिर्च, और ये प्याज। और प्याज को हम भूनेंगे 2 मिनट तक, ब्राउन होने तक प्याज को भूनना है। ये देखिए फ्रेंड, प्याज हमारा भून चुका है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने सब्जी काट के रखा है, वो ऐड करेंगे। और इसको हम अच्छे से हम भूनेंगे 2-3 मिनट के लिए। जी फ्रेंड, सब्जी को हमने 2 से 3 मिनट तक भून लिया अच्छे तरीके से, देख सकते हैं आप लोग। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं टमाटर, और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। अब हम इसके अंदर ऐड करें मसाले। मसाले में हम डाल रहे हैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, और नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। और 1 चम्मच हम इसके अंदर डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। अब हम इन सारे मसालों को डालने के बाद अच्छे से भून लेंगे सब्जी को। और इस सब्जी को हमें 5 मिनट तक भूनना है। देखिए फ्रेंड, सब्जी को हमें चलाते हुए भूनना है इस तरीके से। और इसके अंदर हमें वो जो बड़ी हमने फ्राई करके रखा है वो भी ऐड करेंगे। ये देखिए हमारी बड़ी फूल चुकी है, इसको हम इस तरीके से हाथ से तोड़ लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। ये देखिए इस तरीके से तोड़ लिया है। और इसका बड़ी हम अभी निकाल के सिर्फ डालेंगे। पानी भी इसका यूज करना है, लेकिन अभी नहीं, पहले हम सब्जी को भून लेंगे, उसके बाद ये पानी हम यूज करेंगे। तो ये देखिए, ये बड़ी में इसके अंदर ऐड करके और इसको मिक्स करेंगे, सब्जी के साथ भूनेंगे। ये देखिए फ्रेंड, सब्जी हमारी अच्छे से भून चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी।
तो पानी हम वही वाले यूज कर रहे हैं जिसमें हमने बड़ी को भिगोया था। पानी डालने के बाद सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक के छोड़ देंगे उबाल आने के लिए। ये देखिए फ्रेंड, हमारी बैंगन आलू अदौड़ी की सब्जी बनके रेडी हो गई है। देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। ये देखिए, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरा धनिया। तो फ्रेंड, ये हमारी बैंगन आलू अदौड़ी की सब्जी आप लोग को सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हमारी आलू बैंगन और दौड़ी की सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। इसको आप रोटी, चावल, पराठा, पूरी किसी भी चीज़ के संग खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है ये सब्जी खाने में। तो इस तरीके से आप लोग एक बार ज़रूर बैंगन आलू और दौड़ी की सब्जी बना के ट्राई करिए। और ये हमारी रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा वीडियो शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।